यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए बुलाए गए उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। वहीं सत्ता पक्ष जहां हर हाल में यूसीसी को इस विशेष सत्र में पास करना चाहता है, वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। वहीं इसी को लेकर उसने खासी रणनीतियां तैयार की हैं, जिसमें कांग्रेस को बसपा का भी साथ मिल रहा है। वहीं दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लागू करने की वकालत कर रहा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा वर्षों से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का अवसर देख रही है। ऐसे में छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला ले लिया है। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। वहीं कांग्रेस के साथ बसपा भी विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को लेकर सरकार को घेरने का पूरा मन बना चुकी है। इसी के साथ बसपा नेता मोहम्मद शहजाद का कहना है कि भाजपा का हर फैसला चुनावी लाभ के लिए होता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं वहाँ नहीं जा पाया मैं, क्योंकि मेरे बहुत से कार्यक्रम थे। सुबह से ही 8 बजे से ही क्षेत्र में चल रहे हैं, और वो जो समान नागरिकता वाला है तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ चाहते हैं? नहीं, देखो देखो, पहला राज्य बने, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव जब चल रहा था और जब सरकार को या सत्ता में बैठे हुए लोगों को, भाजपा को ये लगा कि हम चुनाव परास्त हो सकते हैं, तो चलते हुए चुनाव में उन्होंने प्रदेश के अंदर यूसीसी लाने का वादा किया। उसके बाद कार्यकाल बढ़ता रहा, समिति का जो है और अंतोगत्वा जो है, सरकार 6 तारीख को जो इसे ले करने की बात कह रही है। अब जब ले होगा तब उसको देखेंगे। चुनाव से बाहर कुछ करना ही नहीं चाहती, चुनावी एजेंडे हैं बीजेपी के। जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, दिया कुछ हुआ? कह दिया हम 26 के बाद परिसमन आयोग का गठन करेंगे, उसके बाद लागू होगा, कोई बात नहीं। फिर विशेष सत्र की आवश्यकता क्या है? अगर हम संविधान के खिलाफ कानून यहाँ बना नहीं सकते हैं। बैठक हुई है जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया, और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए, जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकते हैं। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है, कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा। आप अगर मुझे देखते आए हैं, और शायद 2 साल से मीडिया कहीं ना कहीं मुझे देख ही रही होगी, मैं यूसीसी की पक्षधर हूँ और मैं मानती हूँ, खासकर महिला होने के नाते मैं इस चीज़ को पूरी तरह से मानती हूँ कि अगर इस देश में किसी को इस कानून की ज़रूरत है, वो इस देश की किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला है। और मैं अत्यंत खुश होंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश होगा जो यूसीसी को पास करेगा। तो गौरवपूर्ण समय है, हम सबको खुश होना चाहिए कि हमको ये दायित्व दिया गया है कि एक बार फिर हम इतने बड़े देश को एक ऐसी चीज दे पाए जिससे कि देश में एक कानून बन पाए। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहाँ समान आचार संहिता लागू करने की आगे बढ़े और बाकायदा राज्य के सर्वोच्च सदन में इसके लेकर चर्चा होकर के पास होने की संभावना भी है। तो ये पहला राज्य होगा देश का, तो ये इस राज्य के लिए बड़े गर्व की बात।